हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गरिमा। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो वीडियो है वो है मिंत्रा कुर्ती हॉल। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने पूरा ये गेटअप के बारे में बता दूं कि मैंने ये क्या कर रखा है। तो मैंने ये जो आलिया भट्ट का जो झुमका सॉन्ग है वो मैंने थोड़ा सा रिक्रिएट किया है। एंड वो वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे लाइव हो चुका है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं कि वो मैंने ये वाला जो मेकअप है वो कैसे क्या क्रिएट किया है। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वाले वीडियो में भी आप बता सकते हैं। मैंने कुछ फर्स्ट टाइम ट्राई किया है तो इसलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ कि कैसे क्या किया है। सो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इस वाले कुर्ते का जो है वो आफ्टर वॉश कैसा है एंड कोई किस्म का कलर तो नहीं निकलता, थ्रेड जो एम्ब्रॉयडरी है थ्रेड है वो तो नहीं कहीं निकल रहे। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो एक मैं वीडियो ही बना देती हूँ कि बहुत लोगों का डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा एंड सब कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी। तो इसलिए जो है मैं लेकर आई हूँ। एंड मैं इनमें से सारे मैं यूज कर चुकी हूँ, वॉश भी कर चुकी हूँ। एंड उसके बाद में मैं जेन्युइन जो है रिव्यू आपको बताऊँगी कि किसमें क्या प्रॉब्लम है किसमें नहीं है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर आप बने रहिएगा एंड काफ़ी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। सो फर्स्ट जो है वो आपको मैं दिखाती हूँ। सारे गिर गए। तो फर्स्ट जो है ये मस्टर्ड कलर का ये थ्री पीस है। एंड ये भी मैंने इस पर भी बहुत सारे कमेंट आए हुए थे एंड सारे जो है जिन लोगों का कमेंट आया था सब स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगी, आप देख लेना। तो इसमें जो है एंड ये है टॉप एंड इसका इसके ऊपर का ये है श्रैक एंड नीचे ये है बॉटम, ये है टॉप एंड बैक में प्लेन है, फ्रंट में एम्ब्रॉयडरी है एंड ये जरी एम्ब्रॉयडरी है एंड इसमें कोई ऐसा थ्रेड वगैरह नहीं निकला है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। एंड इसमें मैंने साइज लिया था वो एम साइज लिया है। ये मेन है कि ये एडजस्टेबल है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड ये है श्रग, ये श्रग है, काफ़ी बड़ा है ये श्रग, आपको एकदम नीचे एंकल तक आता है ये श्रग। एंड इसमें जो है इस टाइप की लेस दी हुई है, काफ़ी अच्छा है ये। इसका जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट है एंड इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इस टाइप के इसमें एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, काफ़ी अच्छा है ये भी। एंड इसमें जो ये प्लाजो है वो ये है प्लाजो, काफ़ी ब्रॉड इसमें प्लाजो है इस टाइप का, पूरा स्कर्ट फॉर्म में लगता है ये, वन लेग का ये है एंड अदर का ये है। इस टाइप के काफ़ी मतलब ट्रेंड में है एंड काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। थोड़ा सा आप अगर इस पर ज्वेलरी वगैरह नहीं भी वेयर करते हैं तो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड जैसे कि आपको पता है अभी बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं तो आप उसमें बाई कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो है वो आपको थ्री पीस मिल जाता है, मीन्स इंडो वेस्टर्न का भी आपका काम करता है। तो आपको अगर आप सूट वगैरह नहीं भी ज़्यादा वेयर करते हैं तब भी आपको ये हेल्पफुल करने वाला है क्योंकि इसमें जो टॉप है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो बाकी ये कैसे क्या दिखता है वो आप जरूर देखें। जो नेक्स्ट है वो ये एक पर्पल कलर में ये भी एक कुर्ता सेट है, प्लाजो है इसकी नीचे बॉटम, ये है प्लाजो एंड ये है कुर्ता एंड दुपट्टा, ये भी काफ़ी अच्छा है, लिबास ब्रांड का है। एंड आपको दिखा देते हैं, ये इस टाइप का है एंड नीचे ये कुछ इस टाइप से है, ये भी काफ़ी अच्छा है। इसको भी मैं दो या तीन बार पहन चुकी हूँ, वॉश हो चुका है ये एंड इसमें भी कहीं सारा सब मशीन वॉश में जो भी आप आज आपको दिखाऊंगी वो सारा मशीन वॉश है। एंड अगर आप जो है मशीन में नहीं भी आप अगर वॉश करना चाहते तो हैंड वॉश कर सकते, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा शाइनिंग बना रहेगा। तो ये है एंड इसमें जो वर्क है ये इस टाइप का जरी वर्क है, बहुत ही अच्छा है, कहीं से भी कुछ ना चुभ रहा है ना मतलब कहीं से कुछ निकल रहा है, ये भी बहुत ही अच्छा है। एंड इस टाइप के स्लीव्स हैं। देन ये है दुपट्टा, दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इसकी अच्छी खासी लेंथ है इसमें एंड ये बहुत ही प्रिटी लगता है। इसको मैं दो तीन बार पहन चुकी हूँ, बहुत ही मुझे जब भी मैंने इसको पहना काफ़ी कॉम्प्लीमेंट मुझे मिले। एंड ये है बॉटम,
सो ये है इस टाइप का बॉटम में, जो मैंने अभी मस्टर्ड वाला दिखाया था सेम वैसे ही पैटर्न में है, लेकिन ये जो इसकी जो लेग्स हैं वो बहुत ही मतलब वो बहुत ज़्यादा थी, ये इतनी नहीं है, मतलब ठीक है, इतना भी अच्छा लगता है, चल जाता है। तो इसका जो प्राइस है वो मैंने लिया था 1800 का, एंड अब शायद इसका जो प्राइस है वो है 2299। मीन्स अभी भी अगर कोई ऑफर वगैरह आते हैं, अभी चल भी रहे हैं, तो बीच बीच में लिबास जो है अपने खुद का जो है वो ऑफर चला देते हैं, तो आप देख लीजिएगा। एंड काफ़ी गर्मी है, सो अभी भी ये है, आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ है, तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको बाय कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट है ये एक मस्टर्ड कलर में कुर्ता सेट है, एंड ये कुर्ता सेट विद स्कर्ट है, तो इसमें दिखाते हैं, ये है स्कर्ट एंड ये है कुर्ता एंड ये है दुपट्टा। तो पहले कुर्ता आपके साथ शेयर कर लेते हैं, एंड इसको भी मैं मतलब दो या तीन बार इसको भी मैं वेयर कर चुकी हूँ। एंड इसमें क्या है, ये पूरा कॉटन में है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये कॉटन में है तो आफ्टर वॉश जो है वो थोड़ा सा लाइट मतलब इसका फैब्रिक हो जाता है, जैसे आप जनरली होता है कॉटन में कि थोड़े से थिन हो जाते हैं, तो आप चाहें तो इसको चरक करा लें, या फिर रिवाइव होता है, रिवाइव में थोड़ी देर के लिए इसको डिप करके रख दें, एंड देन जो है जब खूब तेज सनलाइट हो उसमें आप थोड़ा इसको ड्राई करने के लिए छोड़ दें, एंड 3-4 आवर जो है उसको अच्छे से ड्राई हो जाए, देन आप इसके ऊपर आयरन करवाइए, तो मतलब इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये इस पर मैंने चरक करा रखा था, एंड ये है कुछ इस टाइप से, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जो इस पर ये जो थ्रेड है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही फाइन वर्क है। एक लड़की ने मुझसे पूछा था कि दीदी आप जो है ये वाला इसमें कोई थ्रेड वगैरह तो नहीं निकलते हैं, तो जी कोई थ्रेड वगैरह नहीं निकले हैं, एंड वॉश करने पे कोई भी कलर भी नहीं निकला है, जो जैसा था बिल्कुल वैसा ही है। फैब्रिक मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसकी केयर करनी है, हर एक कॉटन की अपनी बात होती है कि हर एक कॉटन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, जो प्योर कॉटन होता है तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, तो ये चीज़ है। एंड काफ़ी खूबसूरत ये लगता है, कलर तो ऑब्वियसली अच्छा है, पीछे से पूरा प्लेन है। इसमें जो मैंने साइज लिया है वो एस साइज लिया है, एंड इसका भी प्राइस जो है वो 1888 का मैंने लिया था, एंड अभी जो प्राइस है वो 1971 है, ऑलमोस्ट 2000 का है, तो वो भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, वो कूपन कोड वगैरह डालने पे मिल जाएगा आपको। एंड इसकी स्कर्ट दिखाते हैं, तो ये है इसकी स्कर्ट, एंड स्कर्ट भी काफ़ी अच्छी है, आप चाहें तो इसको किसी दूसरे उस पर भी आप वेयर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्कर्ट है ये, ऊपर से आप कोई भी आप रेड कलर पिंक कलर का आप कोई टॉप हो या ब्लाउज फॉर्म में हो आप उस पर भी इसको वेयर कर लें, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा इस टाइप का, काफ़ी फ्लेयर भी है इसमें। एंड ये है दुपट्टा, ये काफ़ी लेंथ है इसकी दुपट्टे की, अच्छी खासी लेंथ मिल जाती है, एंड कॉटन के दुपट्टे काफ़ी हेल्पफुल होते हैं।